सानवी सानवी बेटा। हाँ मम्मा। बेटा ये मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए, इनको अलमीरा में रखाओ। ठीक है। ठीक है माँ। मम्मा। हाँ बेटा। ये सब अलमारी में क्या है? ये तुम्हें मिल गया? हाँ मैं कपड़े रखने गई थी। ओ बेटा ये तो हमने तुम्हारे लिए क्रिसमस सरप्राइज रखा था। उफ ये मेरी गलती से ऐसा हुआ। मम्मा मिल गया तो प्लीज इसे अनबॉक्स कर लूं प्लीज। अच्छा तो तुम्हें गिफ्ट्स देख ले। हाँ ठीक है तो तुम भी देख लो और अपने फ्रेंड्स को भी दिखा दो। तो फ्रेंड्स देखना चाहोगे सानवी के सरप्राइज क्रिसमस गिफ्ट? मम्मी एक मिनट, ऐसा थोड़ा फीका फीका लग रहा है, रुको अभी आते हैं। 1 2 3 वाओ मम्मी हम तो क्रिसमस आउटफिट में आ गए। एक मिनट मेरी ड्रेस भी रेड, मेरा हेयर बैंड भी रेड थोड़ा बहुत, मेरी मम्मा की ड्रेस भी रेड, सब कुछ रेड 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 क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। हे सानवीहोलिक्स इट्स मी सानवी एंड इट्स मी मम्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस इन एडवांस। सो फ्रेंड्स अभी तो आपने देखा ही होगा कि अभी मम्मा के साथ क्या हुआ, मुझे क्रिसमस गिफ्ट पहले ही मिल गए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी क्रिसमस में ज्यादा टाइम भी नहीं था तो मम्मी ने सोचा कि हम सब साथ में इसे अनबॉक्स करते हैं। तो चलो बिना किसी देर के लिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, गिफ्ट्स अनबॉक्स करते हैं। और हाँ जो गिफ्ट्स आपको अच्छे लगे वो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से अच्छे लगे। तो चलो सानवी देखो देखो पहला गिफ्ट कौन सा है। मम्मी मेरा तो नहीं लग रहा। नहीं ये फर्स्ट गिफ्ट जो है वो इसकी बड़ी दीदी यानी आप सब भी मिले हो, आपकी भी दीदी है वो वैभवी दीदी के लिए है। उसको ये इस तरह की बहुत दिन से उसको ये जैकेट चाहिए थी तो मुझे ये मार्केट में मिली तो मैंने ये उसके लिए ले लिया। तो ये फर्स्ट गिफ्ट है बड़ी दीदी यानी वैभवी दीदी की। हाँ सो नेक्स्ट गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट आपको पता है ना कि दिया है मामा सेंटा ने, ना कि दिया है पापा सेंटा ने, ये किसने दिया है? ये दिया है सानवी के मामा और मामी सेंटा ने और उन्होंने ये इस तरह का पोटली बैग में चॉकलेट भेजी है, ये बहुत ही अच्छी है। तो सानवी फ्रेंड्स को दिखाओ ना इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं। ठीक है चलो देखते हैं यम्मी फ्लेवर्स। तो सबसे पहले है इसमें क्लासिक सिल्क चॉकलेट डेरी मिल्क सिल्क, नेक्स्ट इसमें एक और क्लासिक डेरी मिल्क सिल्क है और है रोस्टेड आलमंड डेरी मिल्क, बट नॉट द लीस्ट डेरी मिल्क सिल्क ओरियो। सो थैंक यू मामा एंड मामी सांता फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। तो नेक्स्ट गिफ्ट है मम्मा ये क्या है? ये पिंग पोंग बॉल है और पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमने भी अपने टाइम में ना इस तरह के गेम खूब खेले थे तो मुझे लगा ये तुम दोनों को बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा ट्राई करते हैं, इसमें 2 बॉल्स भी मिली हैं। ओ वाओ मम्मा मुझे ये गेम बहुत पसंद आया, अब मैं इसे संडे को रोज पापा के साथ खेलूंगी और मम्मा के साथ तो रोज ही खेलूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की तरह। ये गिफ्ट ओपन करो। ये लगता है ये उस इंसान के लिए जिसको पेपा पिग बहुत पसंद है। एक्चुअली ये गिफ्ट मैंने उद्भव के लिए लिया था, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और उसको एक्चुअली पेपा पिग और जॉर्ज पिग बहुत ज्यादा पसंद है तो ये पेपा पिग फैमिली मिल गई तो मैंने ये उसके लिए ऑर्डर कर दिया। मुझे लगता है ये गिफ्ट उसे बहुत पसंद आएगा। ओह माय गॉड नेक्स्ट गिफ्ट मुझे लग रहा है मेरे लिए है, वो है I was obsessed with poppets and मुझे बहुत सारे poppets पसंद आए। ये है fruit series poppet and अभी तक थे मेरे पास animal series poppet, अब है मेरे पास fruit series poppet, specially this pineapple poppet was my dream project literally। और friends पता है poppet सिर्फ सानवी को पसंद नहीं है, अब तो हमारी पूरी family भी, मैं भी खाली time में बैठ के poppet pop करती रहती हूँ। मम्मा चलो इसमें से एक खोल के भी देख लेते हैं। बिल्कुल। ओह माय गॉड ये स्ट्रॉबेरी पॉपिट है फ्रेंड्स, ये थोड़ा यूनिक है क्योंकि इस पे ऐसे छोटे छोटे सीड्स के टेक्सचर बने हुए हैं तो वो फील करने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलो इसे पॉप करके देखते हैं। तो ये है इसकी क्वाइट साइड जो कि
काफी ज्यादा अच्छी है एक्चुअली। एंड नेक्स्ट अब है इसकी लार्ज साइड। मुझे पता था ये तो नो फेल गिफ्ट है, यानी कि सानवी को तो ये पसंद ही आएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट पे। तो नेक्स्ट गिफ्ट है खुलजा सिम सिम। ये है नर्फ की ब्लेज स्टॉर्म गन। और ये तो आप आसानी से गैस कर सकते हो कि ये किसके लिए होगा। ये है हमारे छोटू नटखट शरारती उद्भव के लिए। तो ये है नर्फ की स्टॉर्म ब्लेज गन। चलो इसको थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं, उसको क्या पता चलेगा। तो इसमें और इसके सामने कुछ ऐसा सिलिकॉन का वो सक्शन वाला लगा है, इससे वो जहाँ हमें निशाना मारना है वहाँ ये स्टिक भी हो सकती है। यानी सॉफ्ट है तो इससे किसी को लगेगी भी नहीं। एंड नेक्स्ट है हमारी नर्फ की गन जिससे मम्मा को मारूंगी। मजाक कर रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा कूल डिज़ाइन है इसकी। एंड आई होप ये उसे पसंद आएगा। एक्चुअली होप नहीं, उसे पसंद आएगा ही। निकालो आबरा का डाबरा गिली गिली चू। ये क्या है? Oh my goodness, guys, मैंने expect नहीं किया था। ये है मोची स्क्विशी फिजिट टॉय जो कि मुझे हमेशा से चाहिए थे। और पता है फ्रेंड्स, ये जब हम छोटे थे ना उस टाइम में भी ये मिलता था, हम इसे जेली टॉय बोलते थे। Oh my god guys, ये कितना स्ट्रेची है। इसे मोची टॉय बोलते हैं। अरे कितना स्क्विशी भी है। मम्मा जी बहुत मजा आ रहा है, मेरा तो बचपन ही लौट आया। मम्मा देखो इस पूरे अनबॉक्सिंग में दो टॉयज थे जो कि आपके बचपन में भी मिलते थे। मम्मा फन फैक्ट, ये साथ में स्टिक भी हो रहे हैं। फ्रेंड्स ये गिफ्ट तो मुझे लग रहा है मेरा फेवरेट होगा। एक्चुअली सेकंड फेवरेट, फर्स्ट फेवरेट वाज माय पॉपेट। ते अच्छे गिफ्ट्स लाइक ये मेरा बेस्ट एवर क्रिसमस होगा आई थिंक। और मैं तो चली थी सानवी को सरप्राइज देने, मुझे खुद ही सरप्राइज मिल गया। लेकिन मुझे तो अनबॉक्स करने में बहुत मजा आया। आई होप आपको भी ये वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आई। मम्मा मेरे तो फेवरेट थे पॉपेट एंड मोची, आपका फेवरेट कौन सा था? पॉपिट तो मुझे भी पसंद है, मोची टॉय भी मुझे बहुत पसंद है, और मुझे पिंग पॉक बॉल भी। और हाँ, बिना पेट पूजा के तो बात नहीं बनती, तो चॉकलेट भी मुझे बहुत पसंद है। मम्मा और पापा ने मुझे इतने सारे क्रिसमस गिफ्ट दे दिए। अगर आप भी मुझे एक गिफ्ट देना चाहते हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मैं भी आपको गिफ्ट दूंगी। अगर आप मुझे कम्युनिटी पर कमेंट करोगे तो मैं आपको ढेर सारे हार्ट्स एंड रिप्लाइज भी दूंगी। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना। एंड मुझे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।